आपा, आपकी चाय। थैंक यू। पापा, ये तो एक नई तस्वीर है आपके शेल्फ पर। ये कौन सी बच्ची है? ये आर्या है। ये हमारी जूनियर डिबेटिंग कंपटीशन की विनर है। बहुत ही जहीन बच्ची है। मेरे कॉलीग की बेटी है। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल परी की तरह लगती है। मुझे तो बच्चियां बहुत प्यारी लगती हैं, और स्कूल के सारे बच्चे वो तो वैसे ही मुझे बहुत अजीज है। आप जैसा इंसान तो लाखों में एक होता है। जो इंसान लोगों को लाखों में एक लग रहा होता है, वो असल में उनकी तरह आम इंसान ही होता है। आपा, ये आपकी आला जर्फी है। आपने हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा है। एक बात बताओ, अब हुरिया कैसी है? हुरिया ठीक है, अपने कमरे में परी के साथ है। हर वक्त अपनी शादी की तस्वीरें देखकर उदास होती रहती है। यादें इंसान को ना तो उदास करती हैं और ना ही खुश, बस हकीकत से दूर ले जाती हैं। पापा, आपकी इस गहरी बात के पीछे जरूर कोई बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फलसफा पढ़ती हूँ, और फलसफा पढ़ने वाले खुद भी फलसफी हो जाते हैं, और उनके साथ रहने वाले भी उनके इस फलसफे से मुतासिर होते हैं। अरे आओ ज़ैनब। जी आपा, अगर आप फारिग हैं तो मैं आपके बाल डाई कर देती हूँ। हाँ भी लगा लेते हैं, बस चाय खत्म कर लूँ। ठीक ज़ैनब जी, तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, थैंक यू। तुम बहुत प्यारी हो। प्यारी तो आप है आपा, इतनी खूबसूरत, इतनी पुरकशिश, कोई भी आपके लिए दिल हथेली पे रख सकता है आज भी। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने खामखा अपने आप को बूढ़ा समझ लिया है, बल्कि आपने अपनी जवानी में भी खुद को उम्र सीधा समझ लिया था, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आप अभी भी बहुत यंग हैं। दिल बूढ़ा हो जाए तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम उम्री में जब बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, तो इंसान का दिल उम्र रसीदा हो जाता है। इतनी मुश्किल बात है तो मेरी समझ में ही नहीं आती। हम आपकी तरह जहीन फतीन, आलम फाजला नहीं है ना, तो हमें इतनी मुश्किल बातें समझ नहीं आती। इसलिए मैं कहती हूँ आपा जैसा कोई नहीं है। चलें, आप जल्दी चाय खत्म करें, फिर आप मेरे कमरे में आ जाएं। आप जाओ डाई मिक्स करो, मैं आती हूँ।